मोदी तुझसे बैर नहीं, हटा तेरी खैर नहीं। मोदी तुझसे बैर नहीं, हटा तेरी खैर नहीं। मर गया, हाय हाय, मर गया, हाय हाय। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, खींच लेंगे खुशी से। हमारी कोई खास मांगे नहीं है, ना ही सरकार के ऊपर कोई बोझ पड़ने वाला है। जो हमारी 3-4 डिमांड्स हैं, जो हम बार बार सरकार को इस बारे में अवगत करवा चुके हैं। नंबर एक हमारी डिमांड है, जो पिछले दिनों सरकार ने हमारे को वेतन आयोग जो दे दिया था 4600, जो कि 2016 में दिया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने हमारे, पिछले बार भी हमने एक बार प्रदर्शन किया, उसके बाद सरकार ने हमारे को 1/2/2019 से लागू किया, लेकिन हमारा वेतनमान तो लागू कर दिया। उसके बाद जो सैलरी स्लैब जो बनती है आगे कर्मचारियों की, सरकार ने हमारी स्लैब ना बना के हमारे साथ वादा खिलाफी की है। हमारा नया और पुराना कर्मचारी एक ही वेतनमान में आ गया है, इसलिए हमारे पुराने कर्मचारियों में बहुत ज्यादा रोष है। दूसरा, हमारे बड़े दिनों से हमारी एक डिमांड है कि हमारी नर्सिंग ऑफिसर जो हमारी मैट्रन जो होती है और एक हमारे नर्सिंग स्कूल की प्रिंसिपल जो होती है, उनको राजपत्रित का दर्जा दिया जाए। बड़े सालों से ये फाइल हमारे विभाग में पड़ी हुई है, बार बार सरकार ऑब्जेक्शन लगा के फाइल को नीचे डाउन में डाल देती है। तीसरी हमारी डिमांड है कि नर्सिंग ऑफिसर की हमारी एक डिमांड है, जिसके ऊपर सरकार का कोई भी पैसा नहीं लगना, कोई बोझ सरकार के ऊपर नहीं पड़ना, जो कि ये डिमांड भी हमारी 1-2 साल पहले से ही चली हुई है। केंद्र के अंदर नर्सिंग ऑफिसर का दर्जा दिया जा चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, रेलवे के अंदर, सभी विभागों के अंदर और बहुत सारे स्टेटों के अंदर भी नर्सिंग ऑफिसर का दर्जा दिया जा चुका है, जो कि हरियाणा सरकार ने अभी तक हमारे को ये दर्जा नहीं दिया है।